ਚੱਲ ਕਰਾ ਫਨ ਕਰਾ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਗਨ ਤਰਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਖੱਬੀ ਸੀਟੀ ਉੱਤੇ ਰਨ ਕਰਾ Hey guys, welcome to another vlog of our Explorer. This is Akshay Chopra. और गाइज आज एक और अभी लास्ट आपने इंटरनेशनल ट्रिप देखी थाईलैंड की, अनदर ट्रिप अगेन वियतनाम की. जैसा मैंने कहा था एक इंटरनेशनल ट्रिप आएगी इसके बाद भी. सो गाइज अभी एयरपोर्ट पर हूँ, बोर्डिंग करने वाला हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया. सो गाइज लास्ट जो ट्रिप थी, आई नो उसका व्लॉग में कुछ दम नहीं आया, कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, बिकॉज शूटिंग के लिए मैंने ड्रंक गर्ल्स को फ़ोन दिया था. तो इसे सबक मिला कि लड़कियाँ पी रखी उनके हाथ में फ़ोन मत देना, चालू रिकॉर्डिंग को बंद कर देती हैं. तो इस वजह से ज़्यादा शूटिंग नहीं हो पाई. इस बार ज़्यादा करूँगा, होपफुली खुद ज़्यादा ड्रिंक नहीं करूँगा यार, क्लब में तो होगा जो होगा. देखते हैं, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ इस कंट्री में, आपको भी दिखाता हूँ जितना एक्सप्लोर कर पाऊँ करूँगा. सो सी यू इन वियतनाम गाइस. ऑलराइट गाइस, 5 घंटे की फ्लाइट के बाद वियतनाम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, हो ची मिन्ह सिटी में, और अभी यहाँ से बाहर जा रहे हैं. ठप्पा लग चुका है इमिग्रेशन का, और ये यहाँ का थोड़ा बहुत ड्यूटी फ्री है. एग्जिट करता हूँ गाइस, सीधा होटल जाकर कंटिन्यू करता हूँ. यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है होटल, आधे घंटे का रास्ता होगा. सो आई जस्ट गो देयर एंड जस्ट कंटिन्यू. ऑलराइट गाइस, वियतनाम एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका हूँ, टैक्सी में बैठ गया हूँ, और यहाँ से मेरे होटल के यहाँ के करीबन 5 लाख वो बनते हैं डोंग, जो यहाँ की करेंसी है. 5 लाख डोंग करीबन हो गए 2 लाख 16 करीबन 2000 रुपए. सो अब आगे दिखाते हैं गाइस, जगह तो पैरी लग रही है ऑलमोस्ट गाइस, बैंकॉक जैसी फील आ रही है. गाड़ियां भी ऑलमोस्ट वैसी हैं. ये मेरा फर्स्ट टाइम है यार वियतनाम में. गाइस होटल पहुंच चुका हूं, टैक्सी आ गई है. देखो भाई स्कूटी है, इधर खत्म ही नहीं हो रही. सामने रिवर है पूरा, और ये गाइस ये होटल है मेरा. बाकी इधर चलते दिखाता हूं आपको, मैं दोबारा दिखा रहा हूं. ये मेरी 4-star प्रॉपर्टी है और लिबर्टी सेंटर सामने का आप देख सकते हो नज़ारा, रिवर साइड है बिल्कुल. और भाई बहुत स्कूटियाँ वूटियाँ चलती हैं यहाँ पर, बहुत टैक्सी है. चलो पहले अंदर चलता हूँ, चेकिंग करता हूँ फिर आपको. तो गाइस यहाँ के हिसाब से सुबह के 9 बज रहे हैं अभी, और वो कह रहे हैं अर्ली चेक इन भी आप 12-1 बजे से पहले नहीं दे सकते, पूरा फुल है. और भाई यहाँ पे गाड़ियाँ कम देखने को मिलेगी, स्कूटियाँ हैं भरी हुई हैं भाई. मैंने नहीं देखी इतनी स्कूटियाँ कभी कहीं पर, मतलब वहाँ से भी आते हैं एयरपोर्ट से 30-40 हज़ार स्कूटियाँ देख लूँगी. यहाँ पे भी आपको देख लूँगी नॉर्मल वॉक करते करते कितनी स्कूटियाँ देख लेंगी यार आपको. तो गाइज़ अभी चेक इन तो मिला नहीं होटल को, क्या ही दिखाता. अभी जा रहा हूँ कहीं से यार, स्मोक वगैरह लेने का जुगाड़ करता हूँ, देखता हूँ किधर मिलती है यार. यहाँ पर एयरपोर्ट से लेना भूल गया, अब यहाँ आए तो इनकी ट्राई करेंगे. चलो देखता हूँ गाइज़ कहाँ मिलती है, दिखाता हूँ. फाइनली 7-Eleven की दुकान दिख गई है. थाईलैंड के अंदर तो यार हर दूसरी दुकान 7-Eleven होती है, यहाँ पर बड़ी देर बाद दिखी है. तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी बहुत अभी बियर वियर पीने के लिए तो मिल ही जाएगी. आओ गाइस लेट्स गो इनसाइड. अरे वाह, थाई वाली बियर भी है और यहाँ पर तो और भी है, अच्छे ऑप्शंस है. देखो गाइस दिस इज अ काइंड ऑफ स्टोर, चिप्स किस किस वैरायटी के मिलते हैं. देखो ये थोड़ा टूर वूर भी दिखाऊंगा इसके अंदर. देखो दारू वारू भी ऐसी मिल जाती है स्टोर पे ही, अपनी तरह नहीं है कि ठेके पे जाना पड़े अलग से. मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे आप सोचते हो ना कि बाहर आओ और ये थोड़ा सस्ती करेंसी में आता है, तो ऐसा नहीं है. आप देखोगे तो चिक्स भी 11,000 वियतनाम डोंग है, 14,000 इस तरीके से होता है. ये नॉर्मल जो 43,000 ऐसे ऐसे करके है. तो प्राइजेस अगर देख दिल्ली के अकॉर्डिंग देखोगे, इंडिया अकॉर्डिंग, तो ज़्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते हैं. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी 40 डोंग में 50 डोंग में मिल जाएगा, ऑलमोस्ट वही रहती है करेंसी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पड़ती है.
तेरे पास नूडल्स हैं 17,000, अब इसको आप 230 से कर लो अपने आप डिवाइड, तो आपको समझ आ जाएगा कितने। थोड़ा स्वीट फूड क्या का ट्राई करें, या फिर स्प्रिंग रोल्स मशरूम वाले, अरे यस मिक्स स्पाइसी स्पाइसी दिस रेड चिली गुड, पुट दिस रेड चिली, रेड चिली 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 यस चिली, यस थैंक यू। हम आज एक तरह का समझ नहीं आता भाई कितने कितने से, ओके उसने 50,000 का नोट लिया और इसने 5,000 वापस करे, 45,000 का। गाइस लास्ट वो जो आइटम खाई थी बड़ी सही थी, यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं कहीं और आए हैं और फूल तरी वाला मुर्गा बन रहा है यहाँ पर देखो। भैया अभी इनसे मैंने फ्राइड राइस करवाए हैं एग वाले, एग चिकन, तो वो खा के देखो। ऑलराइट गाइस ये ऑर्डर किया है, लुक्स टेस्टी चिकन एग फ्राइड राइस, और इसको खा के देखते हैं, चम्मच से खाएंगे चिकन राइस के साथ, और एग लेते हैं। मैं वो बता दूँ थाईलैंड जैसा बिल्कुल टेस्ट नहीं है, बहुत टेस्टी है, थाईलैंड में थोड़ा मीठा मीठा रहता है, यहाँ स्पाइसी है एक नंबर। ऑल राइट गाइस ये यहाँ की बहुत फेमस कोकोनट आइसक्रीम है जो आपको 30,000 40,000 35,000 की मिल सकती है, मैं आपको यहाँ की करेंसी भी दिखा देता हूँ, भले ऐसे समझ आ रही 5-5 लाख के नोट हैं इसमें मोस्टली। टेक अमाज ओके 30,000 ओके, अरे वाह आ गई ये आइसक्रीम है गाइस, उन्होंने कोकोनट की उसमें दे रखी है, इसमें उन्होंने आइसक्रीम डाली है, कोकोनट डाला है, चावल डाला है और ये मूंगफली है, ये है, चलो इसको खा के देखते गाइस। गाइस मैं थोड़ा सिटी टूर पे हूँ, सिटी आप देख सकते हो यार बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, अमेजिंग। ये भाई का फोटो शूट चल रहा है यहाँ पर ऊपर चढ़ चढ़ के। गाइस माहौल देखो यहाँ पर यार अमेजिंग, आपको सारे मिलेंगे A to Z, ऐसा कुछ नहीं है थाईलैंड तक यहाँ पे नहीं है, आपको खाने पीने की दिक्कत है, एक नंबर। फैशन शो टाइप हो रहा है गाइस, बढ़िया कुछ ना कुछ चल रहा है सिटी में और काफ़ी रश है। मैं अभी जब थाईलैंड हो गया है वहाँ पर तो खाली खाली है, यहाँ तो फुल ओके रिपोर्ट है, फुल हॉट हॉट लड़कियाँ डांस वांस कर रही हैं यहाँ पर, होय 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 मॉल एक नंबर है गाइस, बहुत बिजी सिटी है यार ये, थाईलैंड से बहुत सुंदर लड़कियां हैं यहाँ और काफी अच्छा है। ओहो भाई
काफी क्राउडेड प्लेस है, काफी टूरिस्ट आए हुए हैं यार, यूएस तो बहुत ज्यादा ही है, इंडियंस नहीं दिखेंगे आपको यहाँ पर ये जगह है एक्सप्लोर करने लायक। कुछ ना कुछ चलता रह रहा है हर जगह। गाइस फाइनली मैकडॉनल्ड मिल गया, कुछ खाते हैं यार, बहुत बार का ये अंडरस्टैंड खाया है, यहाँ से ऑर्डर करते हैं एंड लेट्स सी। So guys, this is what we got here. तो इसको खा के देखते हैं guys, कैसा है। मैंने spicy version लिया यहाँ का, ये लोग बारिश में भी नहीं रुकते, फुल ऑन, कोई टेंशन नहीं, लेकर चलते अपना रेनकोट अंदर ही डाला और चलो। क्या मस्त बारिश हो रही है यार, ये मेरे होटल के बाहर का व्यू है। जो इस ब्लॉग में सबसे अच्छे दो लोग कमेंट करेंगे मेरे दो टी शर्ट्स उनके लिए ब्रांड न्यू, जो मैं उनको सेंड करूंगा। सो मेरा ब्लॉग देखो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो, सो मैं आपको भी सपोर्ट कर सकूं और आपको भी मुझे सपोर्ट करना है। तो सी यू गाइस, अभी जाते हैं यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट में, आई विल शो यू अप कैसे यहाँ पे, और आई होप आपको टी शर्ट पसंद आई हुई गाइस, प्लीज कमेंट करो आपको अच्छी लगी। तो और भी दो तीन अपने डिजाइन जो मैंने बनाए हैं वो भी मैं कल या परसों पहनूंगा, तो मैं आई विल शो यू दैट। फाइनली एंट्रिंग द वॉकिंग स्ट्रीट गाइस, फुल ऑन है यार। Thank you.